हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ मालाबार स्पैनिश विथ प्रॉन्स करी। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ 250 ग्राम ऑफ फ्रेश बंच ऑफ मालाबार स्पैनिश। और ये जो लिखा हुआ था वो तेलुगु में लिखा हुआ था। यहाँ पे जो येलो कलर के पत्ते हैं उसको निकाल के मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। साफ करने के बाद ये जो अच्छे पत्ते हैं उसके ही सिर्फ मैं रखी हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया हूँ 500 ग्राम ऑफ प्रॉन्स और मस्टर्ड का पेस्ट। मस्टर्ड में मैं जो डाल के बनाई हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। पहले हम क्या करेंगे, मैं प्रॉन्स को फ्राई करने वाली हूँ। उसके बीच हमें बाकी सब काम करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे तवा बिठा दिया हूँ गैस पे और मस्टर्ड ऑयल में दे के यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट डाल के प्रॉन्स फ्राई करने से वो चारों तरफ नहीं गिरता है। यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो काट के रखा था स्पैनिश उसको निकाल के साफ कर दूंगी अच्छे से। इसको एक दो बार मैंने साफ किया हूँ। और बीच बीच में आके इसको भी थोड़ा उलट पुलट कर रही हूँ ताकि वो नीचे ज़्यादातर ना जले। बस इसको थोड़ा सा रेड करना है, मैंने बंद कर दिया हूँ। इसी बीच इसको भी थोड़ा सा कट कर देती हूँ। और इसको एक बर्तन पर मैं निकाल दूँगी सारे प्रॉन्स को। यहाँ पे मैं स्पैनिश जो काट के रखा था वो डाल रही हूँ। आपका अगर इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा तो थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हो, एक दो चम्मच, लेकिन मेरा ऑयल था इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। फिर इसको ढक के मैं रख दिया हूँ। यहाँ पे लिया हूँ एक ग्राइंडिंग जार, उसमें मस्टर्ड सीड्स, जीरा, एक टीस्पून ही मैं डाली हूँ सबका। और येलो मस्टर्ड भी लिया हूँ। और ये कैसू 10 से 12 कैसू मैंने लिया हूँ। और ये टर्मरिक का जो कच्चा आता है, पाउडर नहीं वो वाला है, ये कच्चा ही है। और एक टमाटर लिया हूँ। इसको इसके साथ ग्राइंड करने से वो अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाता है, इसीलिए मैं टमाटर इसमें यूज़ करती हूँ। और इसको मैंने ग्राइंडिंग कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद ये थोड़ा बन गया है, मतलब थोड़ा सा पक गया है। ये 20% ही शायद पक्का होगा। उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट दे के एक टमाटर दे दिया हूँ। और ये मस्टर्ड का पेस्ट जो मैंने बनाया उसको दे दिया हूँ। और थोड़ा सा इमली का पानी, इसको देने से ये थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैं डाले हूँ। फिर इसको ढक के 10 मिनट तक हमको पकाना है। ये थोड़ा पकाने के लिए टाइम लेता है इसीलिए थोड़ा ध्यान से, और सॉल्ट भी थोड़ा ध्यान से देना है हमको, क्योंकि हम प्रॉन्स में भी डाले थे सॉल्ट। यहाँ पे मैंने प्रॉन्स डाल दिया हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको ढक के फिर से 10-15 मिनट तक उसको पकने के लिए छोड़ देना है। इससे देखिए ये क्या हुआ, हमारा एक कोरमा निकल आया है। वाह, तो ये लास्ट स्टेज है। आपको अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट पर ज़रूर लिखिए। और देखिए ये हमें सर्व कर रही हूँ और ये रेडी हो गया हमारा मालाबार स्पैनिश विथ प्रॉन्स करी। चलो बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।